हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी सीपीयू से रिलेटेड सारी डिटेल्स। चलिए देखते हैं, सबसे पहले जानते हैं एसएससी सीपीयू क्या है। एसएससी सीपीयू का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ओके सीपीयू, जिसको हिंदी में आप कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, और सीपीओ को केंद्रीय पुलिस संगठन सीपीओ कह सकते हैं। ओके, तो ये तो था इसका फुल फॉर्म। चलिए आगे देखते हैं कि इसकी जो पोस्ट है वो पोस्ट क्या क्या होती है। एसएससी सीपीओ एग्जाम के तहत जो है कुछ कुल 7 पद आते हैं, जिसमें कि 6 सब इंस्पेक्टर और एक पद जो है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का होता है। ओके, अब एसएससी सीपीयू की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपको इन्हीं में से किसी एक पद के लिए चुना जाएगा। ये पद जो है वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, और दूसरा सब इंस्पेक्टर इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BASF में SI, और ये है दिल्ली पुलिस में SI। तीसरा है सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF में SI, और चौथा है सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल रिजर्व पोस्ट फोर्स CRPF में SI, और उसके बाद में पांचवा कौन सा है, सब इंस्पेक्टर इन इंडो टाइबन बॉर्डर फोर्स बाइडन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP जिसको आप बोलते हो उसमें SI, और ये जो छठवां है सब इंस्पेक्टर इन सशस्त्र सीमा बल जिसको आप SSB बोलते हो, तो SSB में SI, और सेवेंथ जो जिसको मैंने बोला था असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF में ASI की जॉब। तो ये सभी पद जो है वो गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ना कि दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में, ये भी आप समझिए। ओके, आगे देखते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या होती है। एज लिमिट तो मिनिमम जो एज है मेल फीमेल के लिए वो 20 ईयर्स है, और मैक्सिमम एज जो है वो 25 ईयर्स है। अभी तक अगर आपने फॉर्म को फिल नहीं किया है तो आप जो है फॉर्म को फिल कर दीजिए। लास्ट डेट जो है 15 अगस्त है। अगर आप चाहते हैं कि पुलिस में एक SI की जॉब चाहते हैं तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आप जो है फॉर्म जरूर फिलअप कीजिए। अब एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलता है आपको। यदि आप OBC श्रेणी से आते हैं तो आपको ऊपरी आयु में से 3 वर्ष, और SC ST कैटेगरी में आते हैं तो फिर 5 वर्ष की छूट मिलेगी, और अगर एक्स सर्विस मैन है तो फिर 3 वर्ष की छूट आपको मिलेगी। ओके, नेशनलिटी जो है सिटीजनशिप क्या होती है। सिटीजनशिप जो है वो आपकी नागरिकता इंडियन होनी चाहिए। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप भारतीय नागरिक नहीं है फिर भी आप SSC CPU एग्जाम के लिए आवेदन करते हैं तो फिर ये देखिए कि आप कहाँ कहाँ से हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। नेपाल के नागरिक हैं, भूटान के नागरिक हैं, तिब्बती शरणार्थी हैं जो 1 जनवरी 1962 के पहले भारत में अस्थायी रूप से रहने के इरादे से भारत में आए थे, तो और ये भारतीय मूल के एक व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, केन्या के पूर्वी अफ्रीकी देश, युगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य, जाम्बिया, जैरे, रेथिपिया, मालावी और वियतनाम में से अस्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं भारत में बसने के लिए, तो वो भी फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एबिलिटी क्या होता है, शारीरिक योग्यता क्या है SSC CPU के लिए। पुलिस अफसर बनने के लिए अभ्यर्थी को फिजिकली फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसके लिए जो है PST टेस्ट होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है PST, फिजिकल और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट जिसको PET बोलता है, उसको उसका टेस्ट होता है जिसका संचालन CAPF द्वारा किया जाता है। चलिए तो फिर उसके बाद में आगे देखते हैं जो इसका PST है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है मेल कैंडिडेट्स का, वो क्या है। जनरल कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 170
70 सेंटीमीटर से कम है, मेल है, तो फिर आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 165 सेंटीमीटर तय की गई है। वहीं से अगर आप अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कैटेगरी से आते हैं तो न्यूनतम ऊंचाई आपको 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके, चेस्ट कितना होना चाहिए? चेस्ट देखिए, चेस्ट यहाँ पर दिया गया है सामान्य वर्ग के लिए सीना का माप बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद में 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जो है बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। शेड्यूल ट्राइब यानी ST के लिए जो है बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। आपका अगर 80 है तो 85 होना चाहिए। अगर आपका जो है 85 है तो फिर 90 होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है फीमेल कैटेगरी के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है? जनरल महिला अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर पहाड़ी क्षेत्र के निवासी हैं तो न्यूनतम जो ऊंचाई है वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ST जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 154 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और बताया गया है कि महिला उम्मीदवारों के लिए सीने की माप की कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं होगी। तो SSC CPO सब इंस्पेक्टर मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड ये आपका हो चुका है, इसको करने की जरूरत नहीं है। और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए यानी कि फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट PET के लिए लॉन्ग जंप और हाई जंप और शॉर्टपुट में भाग लेना होगा। तो 100 मीटर रेस जो है वो 16 सेकेंड में 100 मीटर की रेस, 100 मीटर आपको, और 1.6 किलोमीटर, और ये कितना 6.5 मिनट में, 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर यानी इसकी 1600 मीटर 6.5 मिनट में। ओके, लॉन्ग जंप जो है वो क्या रखी गई है? लॉन्ग जंप जो है आपको ये निकालना है 3.65 मीटर्स, और हाई जंप जो है वो कितना आपको निकालना पड़ेगा? 1.2 मीटर हाई जंप। ओके, शॉर्ट पुट जो है वो 16 LBS 4.5 मीटर्स ये निकालना हुआ शॉर्ट पुट। ओके, अब फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट पीटी फॉर फीमेल कैंडिडेट्स महिला अभ्यर्थियों के लिए कितना है? तो 100 मीटर्स इन 18 सेकेंड, 18 सेकेंड में आपको 100 मीटर्स रन करना है, और 4 मिनट में 800 मीटर्स। ओके, और यहीं पे जो लॉन्ग जंप की बात करेंगे तो 2.7 मीटर्स का लॉन्ग जंप होगा, और जो हाई जंप होगा 0.9 मीटर का। ओके, अब एक चीज और आपको यहाँ पर नोट बताया गया है कि लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट के उम्मीदवारों के लिए 3 मौके दिए जाएंगे। रेस को तय समय में पूरा करने के लिए अभ्यर्थियों को केवल एक ही मौका दिया जाएगा, एक ही बार आपको मिलेगा। ओके, बाकी जो लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट के लिए 3 आपको चांस मिलेंगे, लेकिन रेस के लिए एक ही चांस मिलेगा। ओके, तो जितना इम्पोर्टेंट यहाँ पर रूटीन एग्जाम निकालना है ना, तो फिर उतना जो है इम्पोर्टेंट या फिजिकल जो टेस्ट है इसको भी क्वालिफाई करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, SSC सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी, मेडिकल के लिए क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? आँख जो है 6.6 की होनी चाहिए। अगर आपकी एक आँख 6/9 की है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 6/6 विजन को बेटर आई की श्रेणी में रखा गया है, और 6/9 विजन को वर्स आई की श्रेणी में रखा गया है, तो आईज की कोई दिक्कत नहीं है। दाएं हाथ के व्यक्ति में दाई हाथ बेटर आई होनी चाहिए, और बाएं हाथ के व्यक्ति की आंख बेटर आई होनी चाहिए, राइट? यानी कि आपके जिस राइट हाइट से लिखते हैं तो राइट वाला का जो है 6 पॉइंट होना चाहिए, और लेफ्ट से लिखते हैं तो लेफ्ट वाले का 6 होना चाहिए। बिना चश्मे या लेंस के उपयोग के बिना आपकी आंख की रोशनी 6/6 होनी
चाहिए बिना लेंस के। ओके, और ये लासिक सर्जरी अलाउड नहीं है। आपको रंगों को पहचानना आना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। ये सब आई से रिलेटेड है। अगर अभ्यर्थी में से किसी भी चीज नॉक नीज, फैट फूट और उसके बाद वीन, ये सब से परेशान है, तो मेडिकल में आपको छांट दिया जाएगा। ओके, सुनने में भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर मानसिक और शारीरिक रूप से चेक करने के लिए ये सब एग्जाम्स होते हैं, ये सब टेस्ट होते हैं। SSC CPO एग्जाम्स का पैटर्न और सिलेबस ये देख लीजिए कैसा जो है। SSC CPO रिटेन एग्जाम में आपको दो पेपर देने होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। दोनों ही पेपर ऑनलाइन आयोजित किए जाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ओके, और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के प्रत्येक प्रश्न में आपको चार विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि ऑप्शनल है, जिसमें से एक विकल्प सही होगा। ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप का होगा। लिखित परीक्षा में दो पेपर देने होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ओके, आपको दो पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में जो है क्वेश्चन, दो 200 क्वेश्चंस आएंगे। प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का होगा और टाइम जो है वो 2 घंटे का होगा, 120 मिनट का आपका टाइमिंग रहेगा। और पेपर जो है वो सेकेंड पेपर भी 2 घंटे का होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको एक अंक दिए जाएंगे, जहां आपके द्वारा एक गलत का 0.25 माइनस मार्किंग। ओके, 0.25 माइनस मार्किंग। अब ये जो यहाँ पर जो पेपर होगा, जो एग्जाम होगा, उसके 4 सेक्शंस हैं। जनरल इंटेलिजेंस फॉर एंड रीजनिंग, सामान्य बुद्धि और तर्क। और दूसरा जो सेक्शन होगा, यानी कि जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, ये GK GS का हो गया। और तीसरा है मात्रात्मक रुझान, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ये मैथमेटिक्स का रहेगा। और जो चौथा आपका सेक्शन है वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा। 4 सेक्शंस हैं और ये सारे सेक्शन जो हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 50 रहेगा। टाइम आपका 2 घंटे, 120 मिनट में 200 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। ठीक है, माइनस मार्किंग 0.25 का रहेगा। 4 क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर कट जाएगा। ओके, अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट, जो SSC CPO का सेकेंड पेपर होगा ना, केवल एक ही विषय का होगा पेपर 2, और सभी प्रश्न इंग्लिश सब्जेक्ट से होंगे। ठीक है, यानी कि 200 नंबर, पूरा 200 का 200 किसका आएगा, वो इंग्लिश का ही आएगा। तो इंग्लिश जो है आपकी बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, तो फॉर्म डाल दीजिए। और इंग्लिश की प्रॉब्लम के लिए मैं तो हूँ ही, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। CPO ने एक सही उम्मीदवार चयन के लिए SSC द्वारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाया गया है। दिल्ली पुलिस और CAPF में SI ASI बनने के लिए आपको इन सभी चरणों का सफलतापूर्वक पास करना होगा। पहला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, और दूसरा है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, यानी कि दो टेस्ट आपका होगा, PST और PET, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। और स्टेप 3 है कौन सा, CBE पेपर सेकेंड। PET PST को क्वालिफाई करने के बाद में, यानी आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा उसके बाद में सेकेंड पेपर के लिए आप अलाउड हो जाएंगे। ओके, स्टेप 4 में जो है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। स्टेप जो 5 है उसमें 7 ऑब्स्टेकल टेस्ट होंगे। सेवन ऑब्स्टेकल टेस्ट होंगे। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के भाग के रूप में उपनिरीक्षक और सहायक उपनिरीक्षक के पदों के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के नीचे निम्नलिखित बात
सात बाधाओं को पारित करना होगा। ठीक है, एक बाधा में फेल होने पर भी आपको भर्ती प्रक्रिया से निकाल दिया जाएगा। तो जंपिंग ओवर द वर्टिकल बोर्ड पहला है, दूसरा है होल्डिंग द रोप ऑन जंपिंग फ्रॉम द बोर्ड, तीसरा है टार्जन स्विंग, और चौथा है जंपिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल बोर्ड, और फिफ्थ नंबर कौन सा है, पैरेलल रोप, और सिक्स है मंकी क्रॉल, और सेवन नंबर है वर्टिकल रोप। इतना ये ज्यादा हार्ड नहीं है, इसको किया जा सकता है। ओके, तो सेवन ऑब्स्टिकल टेस्ट, ये ऑब्स्टिकल टेस्ट होगी, बाधाओं वाला जो परीक्षा होगी ये होगी। इसको पास करने के बाद में फिर एक लिस्ट जो है, एक लिस्ट आपको फाइनल लिस्ट तैयार हो जाएगी, जिसके बाद आपको 2 साल के लिए ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। तो प्रॉब्लम प्रोबेशन पीरियड एंड ट्रेनिंग जो है वो कैसे चलेगी, इसको देखते हैं। तो 2 साल के लिए आपको जो है वो प्रोबेशन पीरियड पर होंगे, और उसके बाद में दो साल का ये ट्रेनिंग करने के बाद में आपका सिलेक्शन जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सीपीयू परीक्षा पास करने के बाद मुझे कौन सा डिपार्ट मिलेगा, ठीक है, इसको भी देख लीजिए। तो अंतिम चयन पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, कौन सा डिपार्ट मिलता है, विभिन्न भागों बलों में उम्मीदवारों का आवंटन, उसकी स्थिति यानी कि मेरिट लिस्ट जो निकलेगी उसके स्थान पर होगा, दस्तावेजों के सत्यापन के समय उनके द्वारा दिए गए पदों की वरीयता के आधार पर किया जाएगा। मेरिट लिस्ट कैसे निकलेगी इसको देख लीजिए। टोटल मार्क्स इन पेपर फर्स्ट और सेकंड, पेपर फर्स्ट और सेकंड का जो टोटल मार्क्स होगा, दूसरा चीज है। उसके बाद पेपर फर्स्ट में कुल अंकों को देखा जाएगा, उसके बाद में क्या है, टोटल मार्क्स इन पेपर सेकंड, ये होगा। अगर ऊपर बताए गए कारकों में टाई अप होता है तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को पहले वरीयता दी जाएगी, अगर टाई अप हो जाता है, समान आ जाता है। अब आवेदन कैसे करें, आवेदन भर्ती भर आवेदन पत्र भरने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, किसी भी आवेदन को ऑफलाइन तरीके से स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन करने के लिए आपको कर्मचारी आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और अपना नाम सीपीओ परीक्षा के लिए पंजीकृत करना होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट रही आपकी stpssc.nic.in। ओके, तो यहाँ पर जाके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अगर फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज रखी गई है, और ये जो एप्लीकेशन फीस एसएससी और एसटी एससी और एक्स सर्विसमैन के लिए और फीमेल के लिए 9 फीस है, 0। तो जो है आप कैसे आप यहाँ पर पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से या फिर डेबिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग से या फिर ई चालान से, किसी भी तरह से आपको कर सकते हैं। और फिर जो है अगर आप पे कर देते हैं अपनी फीस को तो उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ये प्रीवियस ईयर का एसएससी सीपीओ एग्जाम का कट ऑफ मार्क्स है, कट ऑफ कितना आया था, अनरिजर्व का फीमेल का 112.50 है और मेल का 117.25 है, ओबीसी का 97.75 है और मेल का ओबीसी का है 102 पॉइंट, एससी का जो है महिलाओं का है 84.75 और मेल का है 90.25, एसटी का है 81.00 और जो मेल का है वो 90। एक्स सर्विस मैन का सिर्फ मेल में ही आया है 43, बहुत ही कम एक्स सर्विस मैन 43। तो ये 17-18 का पेपर फर्स्ट का था। अब पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों का देखते हैं, तो दोनों में जो है वो अनरिजर्व का कितना आया था, मेल का 293 और ओबीसी में 271, इसी तरह से। चलिए, सब तो बात की बात है, पहले जो है आप फॉर्म को फिल करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।